नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न समृद्ध होंगे। आप सभी जानते हैं शादी से पहले हल्दी लगाना बहुत पवित्र और पावरफुल माना जाता है। लड़की को भी लगाई जाती है और लड़के को भी हल्दी लगाई जाती है। तो दोस्तों हल्दी को आप किसी भी दृष्टि से देखें, आप आपके रसोई घर में देखें तो आपके खाने का स्वाद बढ़ाती है। अगर आप कहीं बॉडी में कट जाए या ब्लड निकल जाए वहां लगा दो तो हल्दी एंटीबायोटिक है, वो ब्लड को रोकने का और घाव को ठीक करने का भी काम करती है। अगर आपके शरीर में कोई बैठी चोट लगी हुई है तो हल्दी वाला दूध पीने से हल्दी उसमें दर्द को कम करती है और उस चोट को ठीक कर देती है। सर्दी जुकाम अगर कोई बीमारी, अभी ये कोरोना काल में कोरोना की बीमारी आई थी उसमें भी हल्दी वाला दूध बहुत पावरफुल सिद्ध हुआ है। तो आप सभी जानते हैं पवित्र कोई भी शुभ काम में हल्दी का होना बहुत ही उस काम को शुभ और पवित्र बना देता है। शादी से पहले वर या कन्या को हल्दी लगाई जाती है, वो हल्दी एक दूसरे के नाम की होती है और वो हल्दी लगाने के बाद वो काफी हद तक, क्योंकि वो नाम की हल्दी लगाई जाती है, उससे उनका काफी गहरा एक रिलेशन बन जाता है। शादी से पहले हल्दी लगने के साथ ही तो दोस्तों इसी हल्दी का, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, चाहते हैं, प्यार करते हैं और वो आपको नहीं मिल पा रहा है, आपकी पत्नी है या पति है या फिर कोई भी आप जिससे पसंद करते हैं और आप उससे शादी करना चाहते हैं, उसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं हल्दी का आपको एक बहुत ही सिंपल उपाय बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उसके साथ बेल आइकन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। अच्छी जानकारी शेयर करने से आपको भी पुण्य फल प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं ये क्रिया महिलाएं भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं, और ये क्रिया आपको शुक्रवार के दिन करेंगे तो ज्यादा पावरफुल सिद्ध होगी। ऐसे आप सोमवार को भी कर सकते हैं, बुधवार को भी कर सकते हैं, गुरुवार को भी कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन अगर करेंगे तो इसका बहुत ही जल्दी बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तो किसी भी दिन आएगा लेकिन शुक्रवार को इसका इधर आप करेंगे और उधर उसका असर होगा, तो आप शुक्रवार को करें तो ज्यादा बेस्ट होगा। आप नहाने के बाद जब आप सुबह नहा के निकलते हैं बाथरूम से, नहाने जब जाएं आप बाथरूम में, उस समय आप 7 बार उस व्यक्ति का नाम बोले नहाते हुए। आप अपने ऊपर पानी डाल रहे हैं शरीर पे और उस व्यक्ति का नाम बोल रहे हैं, 7 बार सिर्फ नाम बोलना है उच्चारण के साथ, क्योंकि शब्द जब मुंह से निकलते हैं तो वो ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। दोस्तों कहा गया है कि जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि कितनी बार आपसे मुंह से बोला हुआ शब्द सच हो जाता है। तो आपको नहाते हुए 7 बार उस व्यक्ति का नाम बोलना है, मतलब उस व्यक्ति के नाम का आप अपने शरीर पे पानी डाल रहे हैं, उसके नाम से आप नहा रहे हैं।
आप ये समझ ही गए होंगे। और नहाने के बाद जब आप बाहर निकले तो आप एक चुटकी में थोड़ी सी हल्दी ले लें और उस हल्दी को आप अपनी नाभि पे लगा दें। नाभि पे लगाने से पहले दोस्तों 7 बार उस व्यक्ति का, चाहे वो महिला है तो महिला का नाम, अगर वो पुरुष है तो पुरुष का नाम, नाम उसका बोलना है जिससे आप शादी करना चाहते हैं या उसे अपनाना चाहते हैं, जिसका वशीकरण करना चाहते हैं। 7 बार नाम बोलने के बाद आप तुरंत उस हल्दी पाउडर को अपनी नाभि में हल्का सा लगा लें। सूखा ही लगाना है, कोई गीला करने की जरूरत नहीं। बस आप इतना करें, आपको न कोई मंत्र जाप करना है, न कोई दिया जलाना है, न कोई पूजा करनी है, ना किसी से प्रार्थना करना है। आपने उस व्यक्ति के नाम की हल्दी अपनी नाभि पर लगा ली। नाभि दोस्तों बहुत पूरी बॉडी का सबसे पावरफुल अंग माना जाता है, जो जन्म के पहले से ही व्यक्ति को पोषण प्रदान करती है। और नाभि में से आपके पूरे शरीर में बहुत सारी शक्तियों का संचार होता है। दोस्तों नाभि में माता काली का भी वास है, तो नाभि पे आप कोई भी गलत काम ना करें। नाभि बहुत ही बॉडी का पवित्र और पावरफुल अंग है। इसको अगर चुंबक भी कहा जाए तो गलत नहीं हो। बस आप ये थोड़ी सी हल्दी नाभि पे लगाएं, उससे पहले 7 बार उसका नाम बोलें। वो व्यक्ति चाहे कितने भी, कहीं भी, किसी भी बंधन में बंधा हुआ हो, वो 7 जन्म तक के लिए आपके बंधन से दूर नहीं हो पाएगा। किसी भी अवस्था में होगा वो आपके पास आएगा, और 1 जन्म नहीं। ये हल्दी का उपाय उसको 7 जन्म के लिए आपके साथ फिक्स कर देगा, और पूरा पूरा जीवन आपके जीवन में कोई मतभेद नहीं हो सकता। वो व्यक्ति आपको भगवान की तरह पूजेगा। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है। इसको करने समझने में अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछे अवश्य। नमस्कार दोस्तों।